सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड गढ़वा होमगार्ड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट वाइड होमगार्ड का वैकेंसीज को कंप्लीट करवाया गया था और उसी तरह गढ़वा होमगार्ड का फिजिकल भी कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ ही साथ पलामू का, बोकारो का, इस तरह से बहुत सारे ज़िला का जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक गढ़वा जिला का केवल फिजिकल हुआ है। और रही बात मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको लेकर के कुछ भी अपडेट भी नहीं आ रहा है। आप सबको पता होगा कि गढ़वा होमगार्ड में 20 मई 2024 को एक आंदोलन किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि गढ़वा के समाहरणालय में इसी होमगार्ड से संबंधित किया गया था। तो वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि 5 जून के बाद आप लोगों का कभी भी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और इससे संबंधित जो भी इसका नोटिस है इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ और आप लोगों को बताया भी था कि 20 मई 2024 को होमगार्ड से संबंधित आंदोलन किया गया है, जिसमें आप लोगों का डेट बताया गया है कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का। इसके बाद 5 जून से आप लोगों का होमगार्ड का कभी भी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। और जैसे ही होगा इसका मैं ऑफिशियल नोटिस जो है उसको अपने वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट NIC पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी तक उससे संबंधित कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया। तो इसको लेकर के फिर से आज के दिन 11 जून 2024 को फिर से गढ़वा जिला में समाहरणालय में जा करके और सभी स्टेट लोग मिल करके और प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर आंदोलन किए। और मैं आप सबको बता दूँ कि मैं भी वहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज 11 जून 2024 को गढ़वा के समाहरणालय में होमगार्ड को लेकर के वहाँ पर आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट लोग वहाँ पर भाग लिए, वहाँ पर गए हुए थे। और रही बात कि ये जो आंदोलन किया गया ये क्या चीज़ के संबंध में किया गया था, तो वहाँ पर गढ़वा होमगार्ड का जो भर्ती है उसको संपूर्ण कराने की संबंध में ये आंदोलन किया गया था। यानी कि वो केवल अभी फिजिकल हुआ है, वो उसका मेडिकल नहीं हुआ है और न ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो इस भर्ती को संपूर्ण कराने की, यानी इस भर्ती को पूरा करने के संबंध में वहाँ पर आंदोलन किया गया था। क्योंकि आप सबको पता हुआ कि पलामू हमारे गढ़वा जिला के जस्ट शॉर्टले ही है, दूसरा जिला जो कि पलामू पड़ता है, वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है होमगार्ड से संबंधित। वहाँ पर ट्रेनिंग डेट भी आ गया है। आप सबको पता होगा कि मैं वीडियो बना करके बता दिया हूँ, जुलाई में होमगार्ड पलामू का ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, उन लोगों का ट्रेनिंग डेट भी हो गया है। लेकिन अभी तक गढ़वा जिला में दिसंबर में ही इसका फिजिकल कम्प्लीट हो गया है और अभी तक 5 से 6 महीना हो गया, इससे संबंधित कोई भी अपडेट को नहीं दिया गया है। और स्टूडेंट लोग जाते हैं तो वहाँ पर केवल टाइम डेट टू डेट दिया जाता है। तो इसी को लेकर के आज वहाँ पर आंदोलन किया गया। तो वहां पर क्या कुछ हुआ सब कुछ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर देखिए DC और SP इन लोग के पास गया, सभी स्टूडेंट लोग मिलकर के, हम भी वहां पर गए हुए थे। आप सबको यहां पर वीडियो में देख रहा होगा, जो वहां पर क्लिप है वो क्लिप को मैं यहां पर चला दे रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहां पर चला दूंगा, आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहां पर जिला में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, वहां पर SP और DC के पास स्टूडेंट लोग गए, तो वहां पर DC और SP जो थे वो नहीं थे, उन लोगों को मीटिंग हो रहा था कहीं रांची तरफ या फिर मतलब कहीं पर उन लोगों का मीटिंग था, जो कि 3 दिनों का उन लोगों का मीटिंग था, तो वहीं पर मीटिंग में गए हुए थे। तो SP के प्रभार में एक मैम बैठी थी, उनके पास सभी लोग मिलकर के और वहाँ पर जो भी पुलिस थे उनके द्वारा सूचना दिया गया उनको, मैडम को, तो मैडम को सूचना दिया गया। तो इसके बाद मैम बोले कि सभी स्टूडेंट लोग को मेरे पास बुलाइए, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट लोग गए हुए थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ होमगार्ड से संबंधित जानकारी दी गई, सब कुछ बताया गया कि आप लोगों का जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आप लोगों का कब होगा। तो क्या क्लिप है आप लोगों को सब कुछ मैडम के द्वारा क्या कहा गया सब कुछ आप लोगों को वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग का भर्ती प्रक्रिया कब पूरा किया जाएगा? आगे वाला बोल दीजिए, तीन दिन के अंदर न्यूज़ पेपर में आ जाएगा इसका, आप लोगों का जो चाहिए सत्यापन है जो डॉक्यूमेंट सत्यापन है 20 तारीख को मैम हम लोग आए थे।
एक मिनट बारी बारी से बोलेगा, शांत रहिए। हम लोग के टाइम पे टाइम दिया जा रहा है मैम, अगले बार 5 तारीख को टाइम दिया गया। हमको 5 तारीख को भी टाइम दिया गया था। परसों हम लोग भी आए ना, अब साइन डिसीजन के बिना बगैर परसों हम लोग भी आए ना। कब तक आएंगे मैम? सबसे नहीं आ रहे, कब तक आएंगे ऑफिस में? भैया हमारे हम बोला कि परामों के बात का निकाल उठावत किया। तो 14 तारीख हो जा रहा है, परसों 13 है, 13 को दे देंगे। यस मैम, अरे यार वीडियो बना रहे हो ना मैम, बोले ना 15 को आ जाएगा, मतलब बात है। तो दोस्तों एसपी सर के द्वारा जो प्रभार मिला था मैडम को, वो मैडम की तरफ से क्या कुछ जानकारी दिया गया सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद फिर से स्टूडेंट लोग नहीं माने, क्योंकि एक बार नहीं 2 से 3 बार इस तरह से करते हो गया, केवल डेट पर डेट दे रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। तो इसको लेकर के स्टूडेंट लोग नहीं माने, बोल रहे थे कि हमको लिखित चाहिए, आप कन्फर्म किस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर स्टूडेंट लोग नहीं माने, तो फिर वहाँ से जिला से छोड़ करके और गए हुए थे मिथिलेश ठाकुर जो कि हम लोग के मंत्री हैं, मंत्री के ऑफिस जहाँ पर है गढ़वा में, वहाँ पर गए हुए थे मंत्री के पास। तो मंत्री भी वहाँ पर नहीं थे ऑफिस में, उनका जो भी सचिव है मंत्री का, उन लोगों के द्वारा कुछ सूचना दिया गया, मतलब जो वहाँ पर मैडम के द्वारा बताया गया वही सूचना यहाँ पर भी दिया गया कि एसपी और डीसी अपने मीटिंग में गए हुए हैं 3 दिन के लिए। तो आप लोगों को हो सकता है कि 15 से पहले पहले आ जाएंगे सर लोग, और इसके बाद आप लोगों का जो लेटर है वो सब कुछ रेडी कर दिया गया है, सब कुछ बना दिया गया है, बस उसका एसपी और डीसी का साइन बाकी है। जैसे ही उन लोगों का साइन हो जाता है, इसके बाद जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट जो nhc.in है उस पर नहीं दिया जाएगा, ऑफिशियल ऑनलाइन नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका जो जानकारी है उसको दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर मैडम के द्वारा भी बताया गया कि 15 जून से पहले पहले 15 जून तक हम लोग न्यूज़पेपर वाले को दे देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा देख को। और वही बात वहां पर सचिव जो कि मंत्री के सचिव हैं उन लोगों के द्वारा भी बताया गया यही बात कि वहां पर एसपी सर और डीसी सर गए हुए हैं मीटिंग में। तो उन लोग जैसे ही आते हैं साइन मोहर होता है, इसके बाद आप लोगों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही 15 को मिल जाता है तो आप लोगों को 16 से लेकर के और 22 तारीख के बीच सभी बोलो के आप लोगों का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये भी बात बोला गया कि अगर नहीं होता है, अगर 16 तारीख तक कोई भी अपडेट नहीं आता है तो आप लोग हम लोग के पास फिर से 20 तारीख के आइएगा, और मैं वहाँ पर डीसी सर के और एसपी सर के साथ आप लोगों को मैं खुद से मिलवाऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात आप लोग मान लीजिए कि 16 तारीख को आप लोगों का जो प्रोसेस है उसको ले लिया जाएगा, आप लोगों का सब कुछ कंफर्म बता दिया जाएगा, डेट हो जाएगा, आप लोगों का प्रोसेस जो है उसको लागू कर दिया जाएगा, काम मतलब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे 15 तारीख को अपडेट कर दिया जाएगा, 16 से आप लोगों का जो काम है उसको किया जाएगा, और नहीं होता है तो फिर से आप लोग हम लोगों के पास आइएगा। तो इस तरह से वहाँ पर सूचना दिया गया। तो दोस्तों आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इससे संबंधित जैसे भी जो किस भी होता है इसको लेकर के हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है JLH3। ऐसे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और हम लोग एक साथ मेंबर बन सकते हैं, ताकि जो कुछ भी अपडेट आता है तो सब कुछ आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए, आप लोगों को बता दिया जाए। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था, मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।